जैसे कि के बाद जब हम फर्ज पढ़ लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि तबीयत इतनी खराब रहती है कि फर्ज पढ़ने की भी ताकत नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं फर्ज, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि फर्ज पढ़े बिना मतलब नहीं चलेगा। तो अगर हम वितर नहीं पढ़ेंगे तो क्या चल जाएगा, या फिर कजा करनी पड़ेगी? वितर की नमाज जी सही कौल के मुताबिक वाजिब नहीं है, ये सुन्नते मुअक्कदा है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा ताकीद आई है। बाज मजाहिब ने इसको वाजिब भी कहा है, लेकिन सही बात यह है कि वाजिब नहीं है, सुन्नते मुअक्कदा है। तो अगर छूट गई तो उस पर आपको गुनाह नहीं है। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि वो ना छूटने पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी ताकीद आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सफर में भी उसका एहतमाम करते थे, जबकि सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल या जो सुनने रवातिब हैं उनका एहतमाम नहीं करते थे, उनको नहीं बिल्कुल पढ़ते थे, बिल्कुल लेकिन वितर नमाज को सफर में भी नहीं छोड़ते थे। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ना छूटे, लेकिन अगर छूट गई तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो सुन्नत मुकद्दर है।